ये संगम का तट है और ये पीएम मोदी की भक्ति है। रायबरेली में राजनीति की बातें करने के बाद प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे। संगम किनारे गंगा वंदना हो रही है। गंगा जल से, फूल मालाओं से, दूध से भक्ति का अर्घ दिया जा रहा है। प्रयाग आकर प्रधानमंत्री को गंगा की याद आई है। वो प्रण याद आ रहे हैं जो उन्होंने गंगा के उद्धार के लिए किए थे। उस प्रण पर प्रधानमंत्री आज भी डटे हैं। जब भी प्रयागराज आने का अवसर मिलता है तो मन और मस्तिष्क में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ के वातावरण में, यहाँ के कण कण में ही ऋषियों और मनुष्यों की दिव्यता का वास है। मौका कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका नहीं चूकते। रायबरेली के बाद प्रयागराज की धरती से मोदी ने फिर कांग्रेस को कोसा। इस बार निशाना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर था। यूपी के लोग वो दिन याद करें जब इस पार्टी की सर्वोच्च नेता द्वारा यहां जनमत को अपमानित करने का काम किया गया, देश पर आपातकाल मढ़ दिया, यहां तक कि देश का संविधान भी बदल डाल दिया गया। बहरहाल पीएम ने प्रयागराज में 4100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। एकीकृत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही पीएम ने पवित्र अक्षय वट के दर्शन भी किए। उधर संगम से निकलते समय पीएम के फ्लीट को समाजवादी पार्टी ने काला झंडा दिखाया। अखिलेश यादव के नारे लगाए। इससे बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और देखते ही देखते दोनों गुट आपस में भिड़ गए। आनन फानन में पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत ही समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के सदस्य कैद कर लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेसी सरकारों के वक्त अदालतों से हुए टकराव और कांग्रेसी सरकारों के वक्त जजों के साथ हुए बर्ताव को जबरदस्त तरीके से मुद्दा बनाया। मोदी ने इसी बहाने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के वक्त को भी याद किया, जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है, साफ है ये उनका बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। संजय सिंह और पंकज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज।